हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर माय इग्नू सॉल्यूशन पर। आज का जो वीडियो है बीपीएससी 110 ग्लोबल पॉलिटिक्स 2023-24 यानी कि ये फ्री असाइनमेंट से स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप यूट्यूब पर वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं कि कैसे आप आंसर लिख सकते हैं, कहाँ से लिख सकते हैं, तो कहीं नहीं जाना, आपको केवल आपको माय इग्नू सॉल्यूशन आपको फ्री में आपको असाइनमेंट्स देता है और अच्छी जानकारियाँ देता है, और साथ ही इग्नू की जो गाइडलाइंस होती हैं उसको भी बताता है कि कैसे आप अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं और किस पैटर्न का इस्तेमाल करके आप असाइनमेंट्स हो, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो, हर चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ये केवल वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है जो असाइनमेंट बनाने वाले हैं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिसके एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं या फिर होने वाले हैं, जो भी कहें। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको हर चीज़ का पता चलने वाला है कि कैसे आप अपने असाइनमेंट्स को लेकर या फिर एग्ज़ाम्स को लेकर किस पैटर्न का इस्तेमाल करके आप अपने एग्ज़ाम में असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपने असाइनमेंट पर। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है और साथ ही जो जनवरी में एडमिशन लेने वाले। अगर आप बीए पॉलिटिकल में एडमिशन लेने वाले हैं इस कोर्स में, तो आपका ये सब्जेक्ट बीपीएससी 110। तो अभी से आप इस वीडियो को सेव करके रखें, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको एग्ज़ाम्स के लिए या फिर असाइनमेंट्स के लिए आपकी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने के बाद आपका शुरू होता है क्वेश्चन पेपर। अगर आप असाइनमेंट्स बना लेते हैं इस वीडियो के ज़रिए, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर लगाना होते हैं और साथ ही फ्रंट पेज की जो डिटेल्स होती है उसको फिलअप करना होता है। वह अपनी डिटेल्स फिल करें और असाइनमेंट्स आपने बनाए लेके इस वीडियो के ज़रिए और क्वेश्चन पेपर अटैच करके आप सबमिट आराम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर दे रखा है, यहाँ से आप सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को मैच करें। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किया है, तो एम ए असाइनमेंट्स पर जाकर आप अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप गूगल पे एम ए असाइनमेंट लिखें और जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको ओपन कीजिए। यहाँ आपको कई सारे प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आप ओपन कर सकते हैं लिंक। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर डिग्री ले रहे हैं या डिप्लोमा कोर्स है आपका या सर्टिफिकेट कोर्स, किसी प्रकार का आपका कोर्स है, उस लिंक को ओपन करें। देन इसके बाद अपने सब्जेक्ट कोड सर्च करके आप अपने असाइनमेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा, देन इसके बाद हम लोग वापस अपने असाइनमेंट पर जाते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं वापस अपने असाइनमेंट पर। तो यहाँ आपको पता चल गया कि आपको कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लिया और अपने क्वेश्चंस को भी मैच कर लिया। अब शुरू करते हैं अपने असाइनमेंट्स। तो अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर आप पहले भी मेरी वीडियो से देखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि कैसे आपको असाइनमेंट बनाने हैं। मतलब आपको मालूम है कि किस अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट रेडी करने हैं। फर्स्टली आपको होता है आपके किस शीट में आपको अपने असाइनमेंट बनाने हैं और कितने वर्ड्स में आपको असाइनमेंट बनाने हैं, और साथ ही किस तरीके से किस पैटर्न में आपको अपने असाइनमेंट का जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मैं पहले बताऊँ कि 500 वर्ड्स में अपने आंसर लिखने हैं। ऑल क्वेश्चंस को नहीं लिखना है 500 वर्ड्स में। आपको क्वेश्चन से पहले एक चीज़ होती है, आपको बता रखा होता है कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम हो या फिर असाइनमेंट्स हो, तो सबसे ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आपको कितने क्वेश्चंस करने को बोले गए हैं।
हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन से देखते हैं और देन आंसर शुरू करना शुरू करते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आप भी ये गलती करते आ रहे हैं तो आज ही इस गलती को छोड़ें, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपने जितने क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं और उसके अलावा आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं और आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ामिनर आपको अच्छे और ज़्यादा मार्क्स दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने आपने बोले गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे, और साथ ही ज़्यादा क्वेश्चन करने पर आपको ज़्यादा मार्क्स, या आपको 3 क्वेश्चंस करने को नहीं 3 असाइनमेंट्स दे रखे हैं। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं यानी कि आपको कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चंस में बोला जाता है कि आपको 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि अभी मैं कंफ्यूज हो गई, तो अभी यहाँ आप मेरी तरह गलती ना करें। तो यहाँ आपको बोला गया है ऑल क्वेश्चंस करने को, और यहाँ पर आपको 3 असाइनमेंट्स यानी 3 सेक्शन दे रखे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखें। सेकेंड है आपका असाइनमेंट नंबर 2, यहाँ पर स्टूडेंट 250 वर्ड्स में दे रखा है। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि कितने क्वेश्चन करने कितने नहीं, मतलब आपको ऑल क्वेश्चन ही करने हैं। यहाँ पर आपको 250 वर्ड्स में अपने आंसर्स देने हैं, देन इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके अपने आंसर लिखे आप। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये वीडियो फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस कोर्स में चाहिए या कौन से सब्जेक्ट कोड में चाहिए वो भी आप हमें बताइएगा। और स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियो की अपडेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है माय इग्नू सॉल्यूशन, आपको ऑल इग्नू के सॉल्यूशन यही मिलेंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको अगर असाइनमेंट्स बनवाने हैं, जैसे अभी मैंने आपको फ्री में यहाँ पर असाइनमेंट की वीडियो दिखाई है और आपको समझाया है कि कैसे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, और इस वीडियो की मदद से आप अपने असाइनमेंट भी रेडी कर सकते हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो अपना स्टडी भी कंटिन्यू करते हैं और साथ ही जॉब भी करते हैं, और आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने असाइनमेंट को रेडी कैसे करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमें दिए गए नंबर पे अपने हमारे व्हाट्सएप पर सब्जेक्ट कोड भेजिएगा, देन हम ऑन ऑर्डर पर असाइनमेंट्स बनवा के देते हैं। अगर आपको केवल सॉल्यूशन चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, और अगर आपको असाइनमेंट लिखे हुए चाहिए यानी हैंडराइटिंग फॉर्म में चाहिए तो भी आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स अगर आप ऑल ओवर इंडिया में से कहीं भी रहते हैं तो भी हम बाय कुरियर के ज़रिए आप तक असाइनमेंट पहुंचा देंगे। एंड इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैं एक बार और आपको व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9958676204। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। बाकी स्टूडेंट्स इग्नू के अलावा अगर आपको कोई ड्यू का या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट बनवाने हैं, या फिर बुक्स चाहिए, या कोई सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, या प्रीवियस ईयर या फिर एग्ज़ाम्स के लिए आपको कुछ चाहिए, तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड ऐसे ही स्टूडेंट्स सही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हम ऑल स्टूडेंट्स को हमेशा सही जानकारी देते हैं कि जिससे कल को आगे असाइनमेंट पे या फिर एग्ज़ाम्स में कोई गलती ना हो। अगर आपने गलती कर दी तो आपके एग्ज़ाम्स में भी कम मार्क्स आ सकते हैं या फिर असाइनमेंट में भी कम मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसी ही वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।